में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लावर। फ्लावर तो बनाने का तरीका मैं आपको बता दी। ये देखिए, जो कि मैंने स्टैंड लिया था, इससे फ्लावर बना के मैंने पूरा ये तैयार कर लिया। और आज मैं इनको जॉइंट करके डोर हैंगिंग बनाना बता रही हूँ। इसको एक ग्रीन ऊन से जो जॉइंट होता है इसमें, वो जॉइंट करना बताऊँगी। अभी देखिए, इस ऊन को हम दूर रख देंगे और पूरा ये फ्लावर जितने मैंने डोर हैंगिंग बनानी थी इतना मैंने फ्लावर ये बना चुके। और अभी सबसे पहले करना क्या है, ये ग्रीन ऊन से हम इसको जॉइंट करेंगे फ्लावर को। जैसे गेंदा का फूल आते हैं सेम वैसे ये लगेंगे बनने के बाद में, बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, सुई में ऐसे ये ऊन पोनी, सबसे पहले ऊन पोके जितने भी ये फ्लावर हैं, जितने की भी हमें माला बनानी है, तो ये नोट्स लग रहा है इसमें, ध्यान रखना फूल में नोट्स लग रहे हैं। इसी को इस तरफ से इसको इस ऊन में डाल देना है, जो ये गोला है गोले की जॉइंट में डालना है, क्योंकि हम पूरा बना के फिर इसको कट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे पूरे इसमें हम डाल के तैयार कर लेंगे। ऐसे इसमें ऊन में ये पूरा मैं जितने बनाई हूँ जितने भी, इतने मैं पूरा डाल दूंगी। अभी देखिए, पूरा मैंने ये इसमें डाल के तैयार कर लिए। और अभी इस सुई को निकाल के दूर रख देना है। और अभी इसमें हम क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे। क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले इसमें इधर हम नोट्स लगाएंगे एक, तो क्रोशिया समझो कि स्टार्ट करेंगे ये इस तरीके से, ये नोट्स लगा के और इसमें ये क्रोशिया डालना है। क्रोशिया डाल के इसमें थोड़ी सी ये चैन बनानी है। देखिए इस तरीके से इसमें हम पांच कड़ी इसमें चैन की बनाएंगे। भी देखिए, पूरा इसमें अंदर ही रहेंगे, जितना मैंने फूल बनाए इतना डाल के अंदर ही रहेंगे। और अब इसमें पूरे हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इसमें दो तीन कड़ी हम इसकी बना के तैयार कर लिए। और ये फर्स्ट की बनाने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती, इतना ये लंबा सा ऐसे लंबे लेने हैं। और इस तरीके से ऐसे करके इसी एक ही इसमें फंदे में से इस तरीके से निकालेंगे हम। कैसे इसको थोड़ा लूज छोड़ छोड़ के ये फूल इसको आगे कर देना है, फूलों को। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आठ लगा के इसमें, और इसमें से निकाल देना है ऐसे। अभी देखिए, इतनी सी मैंने ये टिक्की बना ली, इसमें थोड़ी ही दो तीन ये चैन निकाल दी। और अभी ये जैसे जैसे हम फूल जॉइंट करेंगे, देखिए अभी मैं फूल जॉइंट करूंगी इसमें, और इस फूल को मैं ऐसे इस तरीके से आगे ले लो। ये फर्स्ट फूल जॉइंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से क्रोशिया को इसी में से ऐसे निकाल लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ऊन भी आ गई और ये भी आ गई। अब ये इधर रह जाएगा फर्स्ट में। अब इसमें क्रोशिया डाल के ये इस तरीके से, और इसमें एक दो चैन और बना देंगे हम ऐसे। ये चैन भी इतनी बन गई, इसके अंदर ये फूल रह जाएगा। तो अभी इसको हम फिर से आगे एक ये लॉन्ग लॉन्ग लेके, ये देखिए फर्स्ट में मैंने ये इतना लंबा ले लिया, तो इसी को इतने ही लंबे धागे मैंने 10-15 बार, ये देखिए इस तरीके से
आराम आराम से मैं ऐसे बता रही हूँ, समझ आ जाए अच्छे से। देखिए ऐसे इसको, ये फूल को आगे कर देना है, जैसे ऊन का घोड़ा है इसकी तरफ हम इसको ऐसे दखा दखा के आगे करते रहेंगे, और इसमें एक ग्रीन ग्रीन बीच में एक गैप दे दे के जॉइंट करते रहेंगे। देखिए इसी में से निकालना है नीचे दो तीन चैन में से ऐसे। देखिए ऐसे बना के, और इसको क्या करना है, हम इसी में से पूरे इसी में से ये निकाल लेंगे इस तरीके से, ये निकाल के और फिर से हम चैन बनाएंगे। तरीके से अब ये इसकी फ्लावर की, जैसे कि हम गेंदा का फूल होता है उसके पीछे डंडी ग्रीन रहती है, तो ऐसे ये पीछे डंडी के जैसे ग्रीन पीछे हो जाएगा। और अब इसमें चैन बना के हम और फिर से फूल डाल देंगे। ये देखिए अब इसमें इसी में से फूल जो हमने पिगो के रख लिए पूरे इसमें पो लिए, तो इसी में से फूल फिर से एक लेके आ जाएंगे, और ये क्रोशिया ऐसे इस तरीके से इसमें डाल के, और इस कोन को भी क्रोशिया को भी ये चैन में लेके आ जाना है। ये देखिए ये चैन में आ गए, और अभी इसमें फिर से इसी तरीके से बनाएंगे हम। ये देखिए ऐसे ही पूरी हम बना के इसमें तैयार कर लेंगे, पूरी बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है ये। देखिए फूल डाल के चैन बना दी, एक एक दो फंदे मैंने ऐसे बना दी चैन सी, और चैन सी बना के फिर से इसको इतना फर्स्ट वाले इतना लंबा लेना है, इतना लंबा लेके और फिर इसको ऐसे लेके, और इसी तरीके से हम इसमें से चैन में से ऐसे इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर ये अगले फूल के लिए, ये फूल दोनों के अंदर आ जाएगा, अगले फूल के लिए तैयार कर रहे हैं अब ये हम। ये देखिए ऐसे इसमें 10-15 बार ऐसे ही घुमा लेना है। इस तरीके से ये देखिए अब ये इतनी बन गई। हमें ऐसे अंदाज़ा लगाना, इसमें काउंटिंग नहीं होता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि पीछे इसमें कितनी की है हमने, इतनी आ गई बन गई। तो इसको पूरे में से ऐसे लेके, जितने ही हमने बनाए इतने में से पूरे में से निकाल लेना है, और निकाल के फिर से चैन बनानी है। ये देखिए इस तरीके से इनको फिर से आ गए हम ऐसे। पीछे का बन गया, अभी फिर से हम चैन बनाएंगे इसमें।
दो तीन मैंने इसमें आठ निकाल दी, और अभी ये फूल फिर से लेके आएंगे, एक एक फूल ऐसे ही पूरा जॉइंट कर देंगे इसमें। ऐसे इतना सुंदर लगेगा बने। बारीक वाले ऊन का सबसे पहले जॉइंट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये साइड में रह जाएंगे, जैसे बारीक ऊन के बनाए थे मैंने। सौ ग्राम में ये 100 ग्राम ऊन 30 रुपये की आती है, 40 रुपये की। अभी तीन जॉइंट करके हम तैयार कर लिए, अब इसी तरीके से पूरी इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। ये फूल डाल के फिर से ऐसे ही बनाना है हमें इसको। अब इतना लंबा कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये देखिए इतना लंबा ले लेना इसको, हाथ अंगुली से इसको अंगुली से ऐसे दबाना है, और नीचे से इसमें से ये चैन बनाए इसी में से ये निकालना है। ये देखिए ऐसे हम इसमें हर डिज़ाइन में माला बना सकते हैं। दीपावली डेकोरेशन, अब गणेश चतुर्थी डेकोरेशन, कुछ भी मतलब कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं हम, और बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का, भी कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। अभी देखिए फ्रेंड, मैंने पूरी ये जॉइंट करके तैयार कर दी। ये देखना जॉइंट करने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है ये। ये देखिए, ये मैंने एक मेन गेट में लगाने के लिए इसको 27 फ्लावर इसमें जॉइंट कर चुकी हूँ। 20 इसको फर्स्ट हम ऐसे ऊपर लगा देंगे, और नीचे चाहे तो हम डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे दूसरी भी डिजाइन की इसमें ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दीपावली पे, जैसे कि गणेश चतुर्थी है, दीपावली पे कैसे भी हम डेकोरेट कर सकते हैं इसको, हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और अभी देखिए इस तरीके से, और जैसे कि मैंने छोटा छोटा बनाया है इसको, हम इसमें जॉइंट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे बड़े छोटे ऐसे हम कैसे भी किसी भी तरीके से इसको जॉइंट कर सकते हैं, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कलरफुल भी बना सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने ये दो कलर की बना के दो कलर की ऊन ली हूँ, येलो ऑरेंज, और कलरफुल बनाएंगे हम तो उससे गुलदस्ता बनेगा। और बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका बनाने का। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो कि मैं पूरी जो भी वीडियो डाले तो आपके पास जा पाए। थैंक यू।